एक तरफ लड़कियों के पढ़ने पर जोर दिया जा रहा है, सरकार तरह तरह के दावे करती है, लेकिन दूसरी तरफ सरकारी स्कूल में एडमिशन के लिए बेटियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मामला यमुनानगर के कैंप क्षेत्र का है, जहां मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल में एडमिशन के लिए पहुंची लगभग 3 दर्जन छात्राओं को एडमिशन देने से मना कर दिया गया। इलाके की पूर्व पार्षद निर्मला चौहान भी उनके साथ रही। पहले तो इस स्कूल का गेट ही बंद कर दिया गया और बच्चियों को एडमिशन देने से साफ मना कर दिया गया। निर्मला चौहान का कहना है कि सरकार एक तरफ बड़े बड़े दावे करती है, दूसरी तरफ इन बच्चियों को एडमिशन नहीं मिल रहा। इलाके में सिर्फ यही एक स्कूल है और आबादी 60,000 से अधिक है। वैसे तो आज अष्टमी है और लोग कन्या पूजन कर रहे हैं, लेकिन कन्या देवी तो हमेशा पढ़ी लिखी शस्त्रों से लैस और ज्ञान से लैस होती है। आज की देवियां बिल्कुल अनपढ़ रह जाएंगी। पिछले 3 साल से हर साल स्कूल के बाहर बेटियों की ऐसी भीड़ लगती है और एडमिशन उनको नहीं मिल पा रहा। अभी भी सर 50 बच्चों की एक लिस्ट हमारे पास और है और 30 के करीब ये बच्चे यहाँ बेटियां और बेटे यहाँ पर खड़े हुए हैं सर, इनको स्कूल में एडमिशन नहीं मिल रहा। पहली बात तो ये कह रहे कि हिंदी मीडियम वालों को हम एडमिशन ही नहीं देंगे, हिंदी मीडियम वालों को हम एडमिशन ही नहीं देंगे। उसके बाद सर इंग्लिश मीडियम में भी कह रहे हैं कि सीटें हमारी फुल है, 30 बच्चे एक क्लास में रखेंगे, अगर उसके बाद जगह कोई हुई तो देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। देखिए सर, ये स्कूल सरकारी है, ये गरीब बच्चे हैं, अगर इनको यहाँ शिक्षा नहीं मिलेगी तो कहाँ जाएंगी। ममिद्दी का स्कूल है सर 8वीं तक का इस एरिया में, बाकी ये 60-70 हज़ार की आबादी पे अकेला प्लस टू का स्कूल है सर। पूरी जम्मू कॉलोनी, पूरा कैंप, गुलाब नगर, पटेल नगर में 5वीं तक का स्कूल है सर। हमिद्दी के अपने आप ही जनसंख्या वहाँ पूरी नहीं होती, इतना बड़ा स्कूल है। 8वीं क्लास में इन्होंने मिद्दी गाँव से की है, 17 लड़कियाँ पास आउट हुई हैं। ये कहते हैं औरंगाबाद जाओ, 3 लड़कियों ने औरंगाबाद एडमिशन ले लिया, बाकी घर बैठे 4 लड़कियां यहाँ खड़ी हुई हैं। बताइए ये बेटियां ये पढ़ेंगी कैसे पढ़ेंगी फिर, क्या सिर्फ वो दावे खोखले हैं? बेटियां पढ़ेंगी, बेटियां बचेंगी कैसे पढ़ेंगी और कैसे अपने आपको बचा पाएंगी जब इन पे शिक्षा नाम का अधिकारी नहीं होगा, हथियार इन पे शिक्षा का होगा, शिक्षा का जेवर होगा, तभी इस जमाने में लड़ पाएंगी। वही छात्रा ने कहा कि वो 8वीं पास कर चुकी है और 9वीं में इस स्कूल में एडमिशन लेना चाहती है, लेकिन उसे एडमिशन नहीं दिया जा रहा। अब वो कहाँ जाएंगे, उनका साल बर्बाद हो जाएगा। साक्षी है, मेरी मम्मी बोल नहीं पाती। मिद्दी स्कूल में मैंने एडमिशन लिया था, 8 तक था वो, फिर मैं कैंप वाले में आना चाहती थी, इन्होंने मेरा एडमिशन नहीं लिया यहाँ पर, फिर घर बैठना पड़ेगा। वही इस मामले में जिला शिक्षा अधिकारी सुमन बामनी का कहना है कि उन्होंने प्रिंसिपल से बात की है, वो इस मामले को स्वयं देखेंगे और कोई भी छात्रा बिना एडमिशन के नहीं रहेगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए यमुनानगर से तिलक भारद्वाज की रिपोर्ट।